नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच लेकर हाजिर हुआ हूं एक बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके केबीएस एग्जाम 2022 जो आपका फॉर्म आया था, 2023 में आपका एग्जाम हो रहा है, इसी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म बनाने वाला, तो आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जो अब तक एग्जामों में केबीएस में शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिविएशन पूछा गया है उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उसका कि कैसे मतलब इसका फुल फॉर्म होगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म, यानी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म रहेगी और इसको हम लोग बदलेंगे फुल फॉर्म में, इसी को हमको समझना है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे वीडियो मैंने चर्चा की है आपसे एनसीएफ के बारे में, ये जो प्रश्न है, और एनईपी, ये तो बहुत रटा हुआ प्रश्न इस समय हो चुका है, आता रहता है कि एनसीएफ क्या है और एनईपी क्या है। तो एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सीधे सीधे आपको हिंदी में भी ऐसी लिखना है, अंग्रेजी में भी ऐसी लिखा मिलेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यदि एनईपी की बात करें तो एन को कोई कोई न्यू बोल देता है, लेकिन न्यू नहीं है, इसको बोलते हैं नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपकी 2020 है, याद रखिएगा, नो एजुकेशन पॉलिसी, के कस्तूरी रंगन, इसका जो महत्वपूर्ण नाम है कस्तूरी रंगन, क्योंकि ये अध्यक्ष थे नई शिक्षा नीति जो 2020 में आपकी लागू हुई, तो ये भी आप समझ लीजिए। आगे हम लोग देखें FLN, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है FLN, तो इसको बोला जाता है फाउंडेशन लिटरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको सिर्फ सुनते चलिए, एक आध वर्ड यदि लिखने में कुछ मिस हो तो उसको आप इग्नोर करें, बात को समझें, फैक्ट को समझें। FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये पूछा गया है FLN में। आपका एक और पॉइंट बनता है, ये 3 to 9 ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लाया जाता है FLN, और FLN वर्ड बहुत ज़्यादा हर एक पेपर में पूछा गया है, इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। FLN की बात करें हम लोग, और FLN के बाद आ जाता है निपुण, निपुण जिसकी हमने चर्चा की हुई थी, यहाँ पर आप देखें, इससे पहले मैं निपुण पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं निपुण, निपुण भारत इसको पूरा नाम है, निपुण को हम लोग नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, ये भी FLN से रिलेटेड है। निपुण का मतलब मैंने बताया था 6 to 9 ईयर जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये काम करता है, और निपुण भारत इस पूरे मुहिम का नाम है। यहां पर हम लोग देखें जो आगे आपका है निष्ठा, ये बहुत पूछा जा रहा है निष्ठा, तो निष्ठा NCERT द्वारा लाए गए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, और इस प्रावधान में नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर, यानी स्कूल के जो हेड है और उनके टीचर है उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट, होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण, एक महत्वपूर्ण ढांचागत तरीके से एडवांसमेंट किया जाए, उनको महत्वपूर्ण जो नए नए डेवलपमेंट एजुकेशन में हो रहे हैं उसके लिए उनको क्या किया जाए, तैयार किया जाए। तो ये निष्ठा है आपका महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा, इसको आप जान लीजिए। आगे हम लोगों ने पढ़ा था NEP के बारे में, तो NEP FLN निष्ठा इसी से रिलेटेड है। NEP जो आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिससे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यहां पर हम लोग NCF 2005 ये जो प्रश्न है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें 38 सेक्शन है, ये प्रश्न आ चुका है, 38 सेक्शन है ओवरऑल, इसको भी आप याद रखिएगा। यहां पर आगे हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया KBS एग्जाम में ये जो फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म, आगे हम लोग बढ़े FLN, यहां पर RTE, देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो RTE राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आया, आर
इसको राइट बोलते हैं, RIGST, राइट टू एजुकेशन। और ये संविधान के अनुच्छेद, इसका पूरा का पूरा आप एक महत्वपूर्ण विवरण देख लें, आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया है, फंडामेंटल राइट। ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। याद रखिएगा, ये हमारा पहले क्या था, एक सिस्टम बना, उस सिस्टम के बाद शिक्षा को सार्वभौमिक करने के लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया, और दुनिया भर के 150 से भी ज्यादा देश है जहां पर राइट टू एजुकेशन है, सार्वभौमिक शिक्षा की बात की जाती है, 2009 में लाया गया था, बट 1 अप्रैल 2000, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है। ये प्रश्न आपका पूछा गया, इसको भी आप जानते चलिएगा। आगे हम लोग देखें, एक वर्ड आ रहा है SWOT, ये प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत पूछा जा रहा है। तो S का मतलब, W का मतलब, O का मतलब और T का हम लोग देख लेते हैं। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, आपकी पकड़, मजबूती क्या है। W का मतलब वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। O का मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जो है आपकी वो, और टी का मतलब थ्रेट्स, जिन चीजों से आप डरते हैं। वीकनेस और थ्रेट्स ये नेगेटिव हैं, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है और ये आपके नेगेटिव है। ये भी आपका प्रश्न स्वेट से पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम देखें RWBA, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, RWA 2016, इसको आप याद रखिएगा। यहां पर देखते हैं, द राइट टू पर्संस, RWD का फुल फॉर्म यदि देखें, द राइट टू पर्संस, यहां पर राइट ऑफ टू नहीं, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, एक मिनट यहां पर देख लेते हैं, द राइट ऑफ पर्संस, द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज यानी जो डिसेबिलिटी होती है हमारे अंदर, एक प्रकार की दिव्यांगता होती है, उसी के लिए राइट लाया गया था, डिसेबिलिटी एक्ट 2016। R का मतलब राइट, विद RWDA, ये है 2016, इसका पूरा फुल फॉर्म ये देख लीजिए, जो दिव्यांग व्यक्ति उनके लिए लाया गया था। यहां पर एक और आगे प्रश्न पूछा गया है, ECCE, ई का मतलब होता है अर्ली, याद रखिएगा, चाइल्डहुड, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड का मतलब जो आपके बाल वाटिका वाले विद्यार्थी हैं, जिनकी उम्र 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच हो सकती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आर्टिकल 45, इसका प्रश्न पूछा गया है, संविधान के आर्टिकल 45 में इसका वर्णन किया गया है, और ये ECCE बहुत पूछा जा रहा है, इसको आप याद रखिएगा। ये प्राइमरी स्तर से नीचे जो बच्चे होते हैं नर्सरी में, उनके लिए विशेष रूप से काम करता है, वैसे तो ये 6 वर्ष तक है, 6 ईयर तक स्टूडेंट है उनके लिए काम करता है ECCE। आगे हम लोग बढ़े तो यहां पर एक शब्द आता है DIET, डाइट, ये जानते हैं, डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले स्तर पर, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग, याद रखिएगा डाइट, डाइट जो होता है, जो DLED आपने सुना होगा, यूपी में इसका कोर्स होता है, मैंने खुद किया हुआ है DLED, तो ये डाइट के माध्यम से इसकी जिला स्तर पर संस्था होती है, इसके लिए काम करती है। आगे हम देखें डाइट, डाइट के बाद आता है हमारा NCF, हमने पढ़ लिया, NEP पढ़ लिया,
और एनसीआर तो ये दिल्ली से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड शब्द घुमा देते हैं कभी कभी, तो आप इसको याद रखिएगा, ये कॉमन चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, बहुत सरल होगा लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे अच्छे से। नेशनल, एनसीईआरटी का मतलब नेशनल काउंसिल, सी का मतलब काउंसिल होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखिएगा ये इसका प्रश्न आने वाला है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। यहां पर देखते हैं एनसीईआरटी के बाद, भाई साहब एक कीड़ा बहुत परेशान कर रहा है, क्या बात है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के बाद हम लोग देखें, एक एनसीईआरटी हो गया, उसके बाद कुछ और शब्द हैं, एनसीटी, बिल्कुल, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ, ये प्रश्न आया हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी आपका हाल ही में हुआ है, N642 जो भी होते रहते हैं ना, इनको आप याद रखिए, फुल फॉर्म है, सर्वे से मतलब नहीं, वो तो बदलते रहते हैं। फिर आता है आपका NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको आप याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उस पर मैंने डिस्कस किया, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, आई होप कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ, जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।